ओए थकेला, ये क्या कर रहे हो? थकेला, मुझे डिस्टर्ब मत करो यार, मैं पत्तों का महल बना रहा हूँ। अगर ये बन गया ना तो इसका नाम रखूंगा थकेला महल। और अगर नहीं बना तो? तो सिंपल, तो इसका नाम होगा टूटेला पकेला महल। ये हवा अचानक कहाँ से आई? मेरे मुंह से। क्यों? चेक कर रहा था। जिसे डॉक्टर से अपना दिमाग चेक करवाना चाहिए उसने क्या चेक किया? यही कि तुम्हारा महल हवा प्रूफ है या तुम्हारी तरह एकदम थकेला है। पकेला, खुद के हाथों से मैं ये महल सुबह से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे कम ऑन थकेले, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती। बिना भूत मैजिक के बनाओगे ना तब पता चलेगा। अरे मैं इससे अच्छे सपनों के महल रोज बनाता हूँ, वो भी आराम से सोते सोते। चलो अब तुम्हारा महल टूट गया, फिल्म देखने जाते हैं। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। मैं अभी इसी वक्त तोड़ता हूँ। अरे ये तो फिल्म का नाम है। ओ वाव, फिल्म तो मुझे भी देखनी है। तो पहले क्यों नहीं बताया, खामखा मेहनत करवा दी। अब चलो। ग्लासेस लगा कर देखे क्या? हाँ, फिल्म अच्छी नहीं लगी तो धूप में काम आ जाएंगे। 3D ग्लासेस की जरूरत नहीं है, फिल्म 3D नहीं 2D है। हाँ? क्या आप हमें देख सकते हैं? हाँ। मतलब आप उदास हो, कोई टेंशन है क्या? हाँ? और हमारे पास हर टेंशन का सलूशन है। आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम गोस्ट है लेकिन आपके दोस्त हैं। मिस्टर वर्मा, हम दोनों भूत हैं, फ्रेंडली और हेल्पिंग भूत। और आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हैं खुद ब खुद। ये है थकेला और मैं पकेला, और हम सिर्फ उन्हीं को दिखाई देते हैं जिन्हें हमारी मदद की जरूरत होती है। अरे सिनेमा में तो हर दम चहल पहल रहती है, आप यहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस से भी ज्यादा साइलेंस क्यों हो? रघु भाई और उसके चमचे राइटी और लेफ्टी की वजह से। रघु भाई, फैमिली पिक्चर लगी है और हॉल फुल है। आप अभी अंदर मत जाओ, मैं आपके लिए अलग से दूसरा शो चलवा दूंगा। शाबाश, क्या आइडिया है। लेकिन आइडिया ड्रॉप, हम अभी इसी वक्त देखेंगे फिल्म। भाई आप तो हीरो से भी अच्छा डांस कर रहे हैं भाई। वाह वाह वाह। ए भाई लोग किधर जा रहे हो? बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे भाई लोग पिक्चर अभी बाकी है। वाह, तो फिर क्या ऑडियंस चली गई? हाँ, और साथ में उनको पैसे भी वापस करने पड़े। ऐसा ही चलता रहा तो मैं और ये हॉल दोनों बर्बाद हो जाएंगे। तो ये बात है, इस थिएटर के मालिक इसे बेचने की फिराक में हैं। मैं और मेरा परिवार सड़क पे आ जाएंगे। सड़क पर नहीं आएंगे क्योंकि इस पिक्चर का एक शो अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये कौन है? वन एंड ओनली हमारे भूत बॉस, करके बुराई का लॉस। हेलो भूत बॉस। हेलो मिस्टर वर्मा, आप बस उन तीनों को बुला लीजिए। वो तो फिल्म शुरू होने के आधे घंटे बाद खुद ही आ जाते हैं। तो बॉस, आज हम उन तीनों का तीन तिगड़ा काम बिगड़ा करके रहेंगे। हाँ मिस्टर वर्मा, आप शो शुरू कीजिए और पिक्चर का मजा लीजिए। थक्का पक्कू अंदर चलो। भाई, हॉल में बड़ी शांति है आज। ऐसे तो पिक्चर में बोर होएगा, थोड़ी मस्ती थोड़ा शोर शराबा हो जाए।
राइटी, वो देख तीन लोग, अपनी मस्ती का इंतजाम हो गया। भाई ये फिल्म, ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे नहीं है। हाँ भाई, ये तो हॉरर फिल्म, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये फिल्म बदल कैसे गई? अरे ये तो अच्छा है, अभी अपन लोग भी डराएंगे। शाबाश शाबाश। आप लोगों को फिल्म दिख रही है क्या? अब नहीं दिख रही होगी, अब तो नहीं दिख रही है ना। अरे तुम हो कौन जो राघो भाई को पिक्चर नहीं देखने दे रहा है? दोस्तों के लिए दोस्त और दुश्मनों के लिए घोस्ट। मेरा फिल्म देखने का मजा खराब करते हो। अरे नहीं नहीं, हम तो तुम्हें फिल्म का मैक्सिमम एक्सपीरियंस देने आए हैं। और फिल्म का मैक्सिमम मजा आएगा जब ये क्या चल रहा है? क्या चल रहा है भाई? पिक्चर चल रही है भाई, कृपया शांति से बैठकर पिक्चर का आनंद लीजिए। कौन है हमारे दुश्मन? रघु भाई और लेफ्टी राइटी सरदार। तो जाओ उन्हें पकड़ कर ले आओ। अभी लाते हैं सरदार। ये अपन लोग के नाम क्यों ले रहे हैं? कोइंसिडेंस होगा, क्योंकि ये तो पिक्चर है। लेकिन पिक्चर तो अभी बाकी है। ये बाहर काई को आ गए? तुम तीनों को पकड़ने और अपने साथ ले जाने। नहीं, इन्हें लूटे पकड़ लिया। अरे सरदार क्या लूटे, ये तो है लुखे। इसकी जेब से 4 आना और उसकी जेब से 8 आना, बस पूरा रुपया भी नहीं मिला बॉस। लेकिन लेफ्टी के शर्ट की जेब से चुराए हुए कुछ पॉपकॉर्न मिल गए, और इस राइटी की पैंट से आधा समोसा मिला है। अरे ये तो मुफ्त खोर है, पिक्चर देख रहे थे और इनके पास टिकट भी नहीं है। गद्दारी है ये, पिक्चर तो हम भी टिकट लेकर ही देखते हैं। सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। माफ कर दो, हम आगे से टिकट लेकर पिक्चर देखेंगे। माफ नहीं, हम तुम्हें साफ कर देंगे। इन तीनों को इस रेत के अंदर घुसा दो, इतना अंदर कि ये वापस कभी बाहर ना आ सके। नहीं, हमें माफ कर दो। हम डाकुओं के बीच से यहाँ कैसे पहुँच गए? ला हबीबी, तुम लोग फिल्म के अंदर थी, फिल्म का सीन बदला और तुम रेगिस्तान में आ गई। पानी मिलेगा क्या? ओए खोचा, वो देखो तालाब, जाओ पी लो। ये अपन लोग कहाँ गए? हमारे पास आओ, हम तो सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कौन है, कौन है? हमारे पास आओ। नहीं कभी नहीं। तो हम तुम्हारे पास आते हैं तुम्हें ले जाने। आप जो भी हो, हम लोग वो नहीं करेंगे जो आप चाहते हो। बस हमें शांति से पिक्चर देखने दो, माफ कर दो। शाबाश 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 शाबाश। इन लोगों ने तो रघु भाई का टेबल टेनिस बना दिया। कहीं हमारा बास्केटबॉल न बना दे। शाबाश शाबाश। उससे पहले हम कसम खा लेते हैं। हाँ कसम खाते हैं कि आज के बाद हम किसी को तंग नहीं करेंगे, कभी कोई पिक्चर ही नहीं देखेंगे। बस हमें शाबाशी मत देना। पक्का? हाँ, आपुन भी कसम खाता है, पक्के से भी पक्का। शाबाश।
लोगों की पीठ क्या तुम्हें ढोल लगती है जो बजाते रहते हो? आप उन आज के बाद ये आदत छोड़ देगा। हम लोग दोस्तों के लिए दोस्त और दुश्मनों के लिए गोस्ट हैं, और ये हैं हमारे भूत बॉस। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास कराने के लिए ही ये सब किया गया है। हमें हमारी गलती का एहसास अच्छे से हो गया है। पता है एक अच्छी फिल्म को बनाने के लिए कितने लोग दिन रात मेहनत करते हैं, और जब फिल्म देखने सिनेमा हॉल में लोग अपनी फैमिली के साथ पैसा खर्च करके आते हैं तो तुम उन्हें भगा देते हो? आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। ना अपन किसी को डिस्टर्ब करेगा और ना ही किसी और को करने देगा। इसको चलाने में वर्मा जी का हर हेल्प करेगा। कैसे? अपन ध्यान रखेगा, ये राइटी डोर कीपर का काम करेगा और लेफ्टी टिकट्स बुक करेगा। हाँ, हम तीनों मिलकर इस थिएटर को वापस ऑडियंस से भर देंगे। बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों ने सिर्फ ये थिएटर ही नहीं मुझे भी बचा लिया। थकेला पकेला, यहाँ तो शो शुरू हो गया, मेरी नींद के शो का इंतजाम कहाँ किया है? बस भूतियावाड़ी के डरावनी गली के राइट से पतले वाले लेफ्ट टर्न पर चांद की बारात तले खुले आसमान में। तो फिर चलो।